आज एक बैक सर खबर हुआ है जो नया कंपनी बहाल आया है कोनो एमआरस वाला, उसमें कहता है जी आप लोग चल जाइए। हम लोग 17 साल से इसमें सरकारी बस के संविदा चालक के रूप में हम लोग खट रहे थे। वेतन बढ़ावे के जगह में हम लोग को आज से 1 तारीख से कहा जी आप लोग को ड्यूटी बंद किया जाता है। एमआर में जाना है तो जाइए, न तो घरे जाइए। आप कार्य करने में सक्षम है तो प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन कीजिए। एक RMS का कंपनी है, वो बाहुबली का कंपनी है, पैसे वाले का कंपनी है, उसमें आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको 11,000 दिया जाएगा। तो हम कहे कि हमको 8,500 ही अच्छा है, हम 11,000 में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी उम्र जो है अब निगम में संविदा के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी 2016 में गांधी मैदान में कहे थे कि जितने भी संविदा चालक हैं, जो जो विभाग में हैं, जो जो कार्य में हैं, समान काम समान वेतन दिया जाएगा और 60 साल तक सेवा दिया जाएगा, 60 साल तक आपको नहीं हटाया जाएगा, ये मेरा वादा है। यही माननीय मुख्यमंत्री जी कहे थे कि रोजगार बेरोजगार को दूर कर देंगे, अच्छे दिन आने को है, यहाँ प्राइवेट कंपनी का अच्छा दिन आ गया। हमारे फादर इसी राज ट्रांसपोर्ट में परिवहन भवन में रिटायर कर गए, ठीक से वेतन नहीं ले सके, बच्चे को ठीक से पढ़ा नहीं सके, ये हाल कर दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी लालू प्रसाद यादव जी अपने शासनकाल में 565 गाड़ी खरीद के लाए थे और ये 150 गाड़ी लेके आए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का ये संस्था है। हम लोग मर रहे हैं, देखिए क्या हाल है। परिवहन विभाग में जो संविदा पर बस चलाते थे वो ड्राइवर अभी राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में पहुंचे हैं, उन्हीं से जानेंगे कि उनकी समस्या क्या है और यहाँ क्यों आए हैं। क्या नाम हुआ सर? कृष्ण मोहन राव सर। क्यों आए हैं सर यहाँ, क्या समस्या? हम लोग सर इनमें 2003 में सरकारी बस के हम लोग चालक हैं, संविदा में बहाल हुए थे। पहले 30 पैसे किलोमीटर खटे, फिर 50 पैसे किलोमीटर खटे, तब 6,000 किया, तब 8,000 किया, अभी 8,500 है। 17 साल सर बीत गया हम लोग के, आज रेगुलर होगा, बिहान रेगुलर होगा, यह आशा में बुझिए। आज एक बैक सर खबर हुआ है जो नया कंपनी बहाल आया है कोनो एमआरस वाला, उसमें कहता है जी आप लोग चल जाइए। हम लोग 17 साल से इसमें सरकारी बस के संविदा चालक के रूप में हम लोग खट रहे थे, 8,500 वेतन हम लोग को मिला था। महंगाई इतने बढ़ गया जो बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई में भी भारी दिक्कत होता है, इसीलिए हम लोग कहे जो साहब को जो सर हम लोग को दरमाहा बढ़ा दिया जाए, जो इसमें नहीं पेट भरता है, यानी वेतन जी। लेकिन वो वेतन बढ़ावे के जगह में हम लोग को आज से 1 तारीख से कहा जी आप लोग को ड्यूटी बंद किया जाता है, एमआर में जाना है तो जाइए न तो घरे जाइए। यानी आप उतना दिन संविदा पर थे ताकि आपकी नौकरी पक्की हो जाए, इसे आपको उम्मीद था जी, जी। लेकिन आज आपको कह रहा है कि संविदा पे एक कंपनी खुली एमआर, उसमें जाना है जाइए, नहीं तो घर जी सर। हाँ। लेकिन हम लोग संविदे में खटेंगे, सरकारे के गाड़ी चलाएंगे, लेकिन प्राइवेट वाला में हम लोग जा नहीं सकते हैं। आपका क्या नाम है? रामबचंद सिंह यादव। कौन रूट में आप गाड़ी चलाते हैं? नवादा। नवादा, नवादा से पटना। कितना साल से आप? वही 17 हम लोग 17 साल हो गए, यानी 2003 से। तीन से तो आपकी भी वही समस्या? सब समस्या वही है जो ही बोले वही है। हाँ। आप लोग की मांग क्या है? मांग वही है सर कि हम लोग का 8,500 में इतना दिन खटाए, 26 को डिप्टी करा रहे हैं। हाँ। हमको कुछ बढ़ाया जाए। अस्थाई की मांग? अस्थाई नहीं तो कम से कम हम लोग का वेतन तो 18,000 चालू है आज से नहीं। हाँ हाँ सर, दरमाहा बढ़े, अस्थाई हो। हाँ। कि हम लोग का धियापुता बाल बच्चा सब ठीक से रह सके सर, बस यही हम लोग का मांग है। और इसके बाद हम लोग या इसमें अथी किए हुए केस किए हुए हैं लेबर कोर्ट में, या 15 तारीख के कोर्ट बोला था कि से पूरा फाइनल के साथ आना 15 तारीख को। हाँ, तो वो कोर्ट बोला था उससे पहले हम लोग 1 तारीख से आज हटा दिया सर। यानी आप अपने मामले को लेकर लेबर कोर्ट में केस किए थे, फाइल दाखिल किए थे, और उसमें अभी सुनवाई चल ही रही है, और उससे पहले आपको हटा दिया? हाँ सर, कोर्ट बोल दिया कि पूरा फाइनल के साथ आइएगा 15 तारीख है, उससे पहले हटा दिया। क्या फाइनल के साथ? कोई हमको समझा पाएगा कि क्या कागज पत्र मांग? अधिकारी से बोला गया, कोर्ट बोला ये लोग के 8,500 वेतन क्यों दिया जा रहा है जबकि कंपनी में 17,000 रुपया दिया जा रहा है। आप अपने कंपनी के 17,000 देते हैं,
अपने विभाग के ड्राइवर को 850 रुपया क्यों देते हैं? इतना दिन से ना IAS न काटते हैं, न PF काटते हैं, न कोई सुविधा देते हैं। आप पूरा फाइनल कागज के साथ आइए, कोर्ट में 15 के डेट पड़ा तो ये लोग, 15 के डेट पड़ा तो ये लोग आके हमको 1 तारीख को हटा दिया कि आप लोग का ड्यूटी बंद है, RMS में जाना है तो जाइए। RMS का स्थिति ये है सर कि वहाँ 17,000 पेमेंट लिया जाता है विभाग से, ड्राइवर के 11,000 दिया जाता है और रोज़ डेली बहाली होता है वहाँ 10,000 रुपया लेके ड्राइवर के, 15,000 रुपया ले कंडक्टर के। आज वो निकला आज 10 को बहाल हुआ और कल 15 को शाम के वहाँ बोर्ड पर नाम लिखाता है फलना का ड्यूटी बंद, फलना का ड्यूटी बंद, कल वो निकल गया, फिर कल झोला लेकर बहाली है और उसी में हम लोग के भी कह रहा है कि इसमें से आप चले जाइए और उसमें चाहिएगा तो वहाँ से ड्यूटी बंद कर देगा, आप लोग घर चले जाइएगा। आर्मी से हैं कोई तो आप कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। जाना है ड्यूटी बंद कर दी कंपनी में, हाँ प्राइवेट कंपनी में जाइए, वहीं जाइए, वहाँ से आप लोग का वेतन आता था 17,000 आता था, 17,000 मिलता था 50। हाँ हाँ ना 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 उस लाख का, उस लोग का 17,000 वेतन महिमा कंपनी RMS, उस लोग का 17,000 वेतन है लेकिन उस लोग का ड्राइवर के 11,000 दिया जाता है, हम लोग के 85,000 दिया जाता है। हम लोग मांग किए कोर्ट में कि सर 17,000 जब कंपनी का ड्राइवर के वेतन मिला है तो निगम का ड्राइवर है हम लोग 2003 से हैं तो हम लोग के कम से कम उसको आधार पर हम लोग का 17-18,000 मिलना चाहिए, एक्सपीरियंस भी हो गया। हाँ हाँ 17-18 बड़का गाड़ी सब दिन चलाए हैं, अभी हम राजगीर पटना AC गाड़ी चला रहे थे, राजगीर हड़ताल। हमारा नाम अमरेंद्र कुमार सिंह है, बिहार शरीफ प्रतिष्ठान में चालक के पद पर कार्यरत कर्मचारी हूँ। आप जो पूछिएगा उसका जवाब देंगे। आप यहाँ आए हैं राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में, आपका विषय क्या है, आपकी मांग क्या है और आपकी समस्या क्या है? विषय यही है कि आज दिनांक 1/9/2021 को हम सभी पूरे बिहार में 7 प्रमंडल हैं, 7ों प्रमंडल के चालक लोग आए हुए हैं। कुछ चालक नहीं आ सका मैंने पैसे के अभाव में या गरीबी के अभाव में, और हम सब आए हैं तो यहाँ कहा गया कि आप कार्य करने में सक्षम है तो प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन कीजिए। एक RMS का कंपनी है, वो बाहुबली का कंपनी है, पैसे वाले का कंपनी है, उसमें आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको 11,000 दिया जाएगा। तो हम कहे कि हमको 8,500 ही अच्छा है, हम 11,000 में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी उम्र जो है अब निगम में संविदा के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी 2016 में गांधी मैदान में कहे थे कि जितने भी संविदा चालक हैं, जो जो विभाग में हैं, जो जो कार्य में हैं, समान काम समान वेतन दिया जाएगा और 60 साल तक सेवा दिया जाएगा, 60 साल तक आपको नहीं हटाया जाएगा, ये मेरा वादा है। अगर स्वस्थ रहेंगे तो 65 साल तक काम। नहीं नहीं नहीं, स्वस्थ की बात नहीं है, स्वस्थ हम क्यों स्वस्थ रहेंगे, हमको 60 साल जब निर्धारित किए हैं तो 60 साल है, 60 साल हमको सेवा ले किसी तरह ले, गार्ड का नौकरी करावे या गेट पर रखे कहीं रखे। अब इस परिस्थिति में हम सब चालक को हटाएगा तो हम लोग का माँ बहन भाई बच्चे को पढ़ाई के लिए 15,000 रुपया, प्राइवेट कम स्कूल में पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में व्यवस्था नहीं है, क्या करें, इसीलिए ये गरीबी की मार है। और यही माननीय मुख्यमंत्री जी कहे थे कि रोजगार बेरोजगार को दूर कर देंगे, अच्छे दिन आने को है, यहाँ प्राइवेट कंपनी का अच्छा दिन आ गया। तो आप लोगों को फोर्स किया जा रहा है कि आप लोग प्राइवेट कंपनी में? हाँ प्राइवेट कंपनी में फोर्स करके, नहीं तो आप लोग जाइए घर, बंद कर दिया गया। 2021 है, 2002 से हम सेवा में कर रहे हैं, हमारे फादर इसी राज ट्रांसपोर्ट में परिवहन भवन में रिटायर कर गए, ठीक से वेतन नहीं ले सके, बच्चे को ठीक से पढ़ा नहीं सके, ये हाल कर दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी लालू प्रसाद यादव जी अपने शासन काल में 565 गाड़ी खरीद के लाए थे और ये 150 गाड़ी लेके आए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का ये संस्था है, हम लोग मर रहे हैं, देखिए क्या हाल है। अभी आप यहाँ किनसे मिल रहे हैं? हम आए हैं अध्यक्ष महोदय से मिलने के लिए, जगदानंद सिंह से मिलेंगे, पहले अध्यक्ष जी से मिलेंगे तब तो हम तेजस्वी बाबू से मिलेंगे, उनसे मिलने आए हैं, वो हमारी विनती को सुने उसके बाद हम आगे जाएंगे। आप लोग अपना एप्लीकेशन दिए हुए हैं, नाम बार दिए हुए हैं। तो ये संविदा कर्मी हैं परिवहन विभाग के, इनको 8,500 रुपया मिलता था और आज से नहीं काम कर रहे हैं, 2003 से काम कर रहे हैं, कोई 2001 से भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो है अब एक प्राइवेट कंपनी आई है
और वहाँ के जो भी मैनेजमेंट वो इनको कह रही है कि आप जबरदस्ती जो है प्राइवेट कंपनी में जाइए और वहाँ पे वेतन है 17,000 17,500, लेकिन प्राइवेट कंपनी कभी 10,000 कभी 11,000 तो घूस लेकर भी भर्ती कर रही है। ये इनकी समस्या है नेता प्रतिपक्ष, और साथ में जगदानंद सिंह से मिलना है और इनको ये भी कहा गया आज से 1 सितंबर 2021 से कि आपको अगर प्राइवेट कंपनी में जाना है तो जाइए और नहीं तो अपना घर जाइए। इसलिए ये लोग जो है आज इन सभी अपने संगठन के साथ आए हैं राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव से मिलने। वीडियो कैसा लगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।